वेलकम टू चैनल तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर मैरिड लाइफ कैरियर मनी इमोशन एवरी थिंग ठीक है तो वो सारा कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगी यहाँ पे मैंने दो पाइल रखे हैं पाइल नंबर वन पाइल नंबर टू नंबर वन को आप मैजिकल ब्लेसिंग से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्डे मन से चूज कर सकते हैं उसी तरीके से पाइल नंबर टू है आप न्यू बिगनिंग से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्दे मन से चूज कर सकते हैं नंबर वन अगर आपने मैजिकल ब्लेसिंग को चूज किया या फिर आपका बर्देमन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ किस तरीके की रहेगी रीज भी और सेजिटेर की एनर्जी है नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ वार्नस नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ सॉर्ट्स डी बैकोरस जबनाई की एनर्जी है नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ वार्नस नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ सॉट्स ओके नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टू ऑफ कप्स अच्छे कार्ड्स आए हैं कैंसर पाइसोस्कॉपी की एनर्जी है नेक्स्ट आ रहा है सेवन ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है दस स्टार एक वो रेजेंट है।, है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल अपने जेंडर से रेजोनेट करना यहाँ पे जो आपकी मैरिड लाइफ होगी वो जो है वो इस तरीके की होगी आप जो है अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगे आपके पार्टनर भी जो है सक्सेसफुल होगे पॉपुलर होंगे या फिर दोनों ही जो है वो आ, किसी न किसी जो है जैसे इंटरनेट पर जो है कोई काम करोगे या फिर अगर आपका ऑलरेडी अपना स्टैब्लिश्ड बिजनेस है तो भी जो है आप वहाँ पर उस चीज़ में जो है दोनों इकट्ठे काम करोगे और आप दोनों का ही जो है वो नाम होगा तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर केसेस में जो है आप माइग्रेट करोगे अब वो सिटी हो सकती है अपनी ही कंट्री में या फिर जो है आप बाहर भी जा सकते हो तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है सिक्स ऑफ शॉर्ट्स भी जो है वो यही चीज़ कह रही है कि आप जो है वो ट्रैवल करोगे ट्रैवल आपको करना पड़ेगा चाहे वो काम के जरिए हो चाहे वो बिज़नेस के ज़रिए हो चाहे आप घूमने की इच्छा रखते हो तो आप अपनी मैरिड लाइफ में जो काफ़ी घूमोगे आपके जो है स्पाउस होंगे उनका जो है काम इसी तरीके का हो भी सकता है इस वजह से भी नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कॉइंस है एस ऑफ सॉर्स है एक न्यू बिगनिंग होगी आप दोनों ही एक स्टेबल फ्यूचर को जो है वो क्रिएट कर रहे हो फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उसमें भी जो है धीरे धीरे आपकी बढ़ोतरी होती जाएगी और आप दोनों ही जो है वो एक वेल well सेटल्ड तरीके से एक फॉरेन कंट्री में जो है वो रहोगे ज़्यादातर केसेस में और वहाँ पे जो है एक अपना अच्छा घर हो और जो बाकी आपके दिमाग में आता है कि ये होना चाहिए गाड़ी है या घर है या एक पेट है तो वो सब चीज़ें जो है आपकी होगी आप दोनों ही जो है अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे अपने ऊपर जो है वो केयर करेंगे जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को या बॉडी को या लाइफ को मेनटेन कर पाएंगे तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है आप बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्दी हो गए या फैट हो गए या बहुत ही ज़्यादा थिन हो गए या आप जो है एनवायरनमेंट नहीं झेल पा रहे हो आप लगभग जो है सिमिलर एनवायरनमेंट में ही जाओगे जहाँ पे भी आप हो तो उससे सिमिलर ही इन्वायरमेंट होगा बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होंगे यहाँ पर यह भी चीज़ है कि आप जैसे मैंने कहा कि आपकी लाइफ में जो है वो आ, कुछ फ़र्क आएगा कि आप जो है वो अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देने लगोगे तो रेस्टोरेंट आप जाओगे लेकिन मिनिमम जाओगे पहले जो आप रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा जाते थे या स्ट्रीट फूड ज़्यादा खाते थे तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे या फिर आप ऐसी जगह जा रहे हो वहां पे जो है रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते या पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे होते हैं या ज, जैसे कि आ, आप जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर जाओ लाटविया लुथानिया या इस्टोनिया इस जगह पे जाओ तो वहाँ पे जो है आपको अपॉइंटमेंट लेके जो है रेस्टोरेंट में एंट्री मिलती है यहाँ जैसा नहीं है कि आप चले गए और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपको मिल रहे हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता तो इससे ज़्यादा प्रेफर जो है आप घर में खाना बनाना या इस तरीके से चीज़ रखोगे हालांकि जो ओकेजनली है कोई बर्थडे है एनिवर्सरी है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जो है बाहर जाके खूब जो है वो इन्जॉय करोगे लेकिन इस तरीके से जो है हैबिट्स में भी चेंजेस आएंगे नेक्स्ट सारा एस ऑफ सोडा ये आपके लिए न्यू बिगनिंग रहेगी शुरुआती समय में जो है आपको थोड़ा सा जो है फॉगीनेस लगेगी धुंध लगेगी अपने दिमाग में मैं क्या क्या करूं क्या क्या ना करूं क्योंकि आप जिस एरिया से आ रहे हो वहाँ पर लेबर जो है वो सस्ती है लेकिन वहाँ जो है एक्सपेंसिव है तो आप किस तरीके से करोगे तो आपको जो है एक रेगुलेटरी या रूटीन बनानी पड़ेगी जिसकी वजह से जो आप सब कुछ जो है वो इस तरीके से कर पाओगे तो आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को भी आपको एकदम से मिलेगा नेक्स्ट आ रहा टेन ऑफ पॉइंट है शुरुआती समय में जो है आपके ऊपर थोड़ा सा बर्डन आएगा कि जो है वो पूरा रूम सेट करना है पूरा घर सेट करना है और सिर्फ आप ही नहीं करोगे आपके स्पाउस भी आपसे करवाएंगे लेकिन जैसे अगर आप अपने नेटिव प्लेस पे हो तो वहाँ पे आपके मान लीजिए घर में पांच लोग हैं तो वो सारी मदद कराएंगे यहाँ पे आप दो ही हैं तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पे आपकी जो है हीलिंग भी होगी आप काफ़ी लंबे समय से जो है ये सोच रहे थे कि फेलियर्स देख रहे थे या फिर जो है आपको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरे साथ क्या ही होगा तो उस चीज़ को भी जो है आप बहुत अच्छी तरीके से हील कर पाओगे और आप काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखोगे चाहे वो कल्चर हो चाहे वो भाषा हो चाहे वो खाना बनाना हो कुछ ना कुछ ऐसी चीज करोगे और जब समय बीत जाएगा लगभग जो है चार से छह महीने हो जाएंगे तो आप वहाँ पे अपना बिजनेस भी करोगे जो भी आप करना चाहते हो नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कप्स है आप दोनों की इंटीमेसी बढ़ेगी आप दोनों के रिश्ते में बॉन्डिंग अच्छी रहेगी और आप दोनों जो है एक वहाँ पे कंसीव भी करोगे अगर आप करना चाहते हो और वहाँ पे जो है आप एक बेबी को भी जो है वो गर्ल को जो है वो वहाँ पे बर्थ दोगे मुझे यहाँ पे यह भी फील हो रहा है कि आपको मनी की कोई इशू नहीं रहेगा कैरियर भी आपका अच्छा चलेगा लेकिन स्टेप बाय स्टेप होगा एकदम से चुटकी बजाते कुछ भी नहीं होगा इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा डीपली चले जाएंगे बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी जिससे आपको महसूस होगा कि यहाँ पर हम आए हैं क्योंकि थोड़ा सा आपको अकेलापन शुरुआती समय में लगेगा लेकिन धीरे धीरे आप एडजस्ट हो जाओगे और फिर जो है आप इस कंट्री को या इस घर को जो है कभी भी छोड़ना पसंद नहीं करोगे क्योंकि आपको जो है वहीं पर रहना पसंद आ जाएगा वहाँ की सर्विसेज की वहाँ की सुविधाओं की जो है आपको एक तरीके से आदत पड़ जाएगी मुझे यहाँ पे यह भी लग रहा है कि इस चीज़ में जो है वो थोड़ा समय लगेगा या आपका ये सपना भी हो सकता है कि आप जो है बाहर सेटल हो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसी आ रही है कि बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे जो सुन रहे हैं उनकी इच्छा है कि वो बाहर मतलब फ़ारेन कंट्री में सेटल हों और एक अच्छे परस्पेक्टिव के साथ वो वहाँ पर रह पाए बेशक एक्सपेंसिव है लेकिन उस चीज़ को जो है वो पूरी तरीके से मैनेज कर पाएंगे दोनों के दोनों नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टार आया तो जो आपकी विश थी वो जो है फुलफ़िल हो रही है और आपके अंदर जो है जो मैंने कहा आप फिट हो जाओगे आपके हेयर कट जो है वो चेंज हो जाएगा आपके ड्रेसिंग सेंस काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा आपकी स्किन जो है वो ग्लो करने लगेगी और आप जो है कुछ ऐसे मल्टीविटामस वाली चीज़ें भी लेने लगोगे क्योंकि हर जगह का ना जो मेडिकल प्रोसीजर है या बाकी सब चीज़ें हैं वो अलग अलग होती हैं तो उस चीज में भी जो आपकी अवेयरनेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी यहाँ पे मैंने पहले ही कहा आपको कि यहाँ पे जो है आपका बेबी गर्ल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं और आप वहीं पे जो है उस बच्ची को जन्म भी दोगे तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स तो पहला आ रहा है स्टार गेजिंग वेन यू गेज एट द स्टार यू गिव योर सेल्फ फेरी फोकस योर इंट्यूशन विल फ्लो मोर फ्रीली एंड रिवील वॉट यू नीड टू नो अबाउट योर सिचुएशन तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप जो है जो विश कर रहे हो वो आपकी फुलफिल हो रही है नेक्स्ट आ रहा है मैजिकल ब्लेसिंग्स यहाँ पे यही चीज़ है कि आपकी जो बेबी गर्ल होगी उसको जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन या इंसेस्टर्स की प्रोटेक्शन मिलेगी वट एवर यू आर गोइंग थ्रू यू आर बींग असिस्टेड बाई मैजिकल फेरी ब्लेसिंग द फेरीज से यू कैन ब्लेस अदर्स टू तो यहाँ पे यही चीज़ है नेक्स्ट आ रहा है एम्पति आई एम ओपन टू सींग दो साइज ऑफ अच्एन यहाँ पे ये चीज़ है आपको ऐसे वहाँ पे लोग मिलेंगे जो काइंड होंगे आपकी तरीके से और आप जो है उनसे रेजोनेट कर पाओगे इमोशनली आपको अकेलापन जो है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे अबंडेंस आई एम अ लिमिटलेस बींग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियालिटी तो अबंडेंस जो है वो आपका यहाँ पर रहेगा मनी आपकी रहेगी हेल्थ अच्छी रहेगी वेल्थ अच्छी रहेगी और बहुत सारे नए लॉज आप सीखोगे बहुत सारी नई जो है हैबिट्स आपको पड़ेगी तो कुछ इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप जर्मनी में जाते हो जो कि मैं मतलब चलो कभी गई थी तो वहाँ पे ये है कि जैसे प्लास्टिक बॉटल या जापान भी जाते हो तो प्लास्टिक बॉटल का ढक्कन अलग रखना है प्लास्टिक का जो है वो अलग रखना है और उसके पैसे मिलते हैं ठीक है या जो है आपको जो है कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाता है तो कुछ इस तरीके की भी एनर्जी है यहाँ पे अगर आप जैसे पिज़्ज़ा बॉक्स जो है आपने खाया है तो बॉक्स में जो जो गंदा पार्ट होगा गया जिसपे तेल लग गया उसको आप काट के जो है वो दूसरी जगह पे डाल सकते हो और जो बाकी कार्डबोर्ड है वो आपको जो है वहाँ पे डालना है जिसकी जो है रिटर्न में जो है वो आपको पैसे मिल जाएंगे तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आप नई नई चीज़ें सीखोगे ठीक है तो चलिए देखते हैं कुछ चांस तो यहाँ पे जो है एक सरप्राइज आया है यहाँ पे आपके लिए सरप्राइजेज होंगे काफ़ी सारे कि यहाँ पे ये यह होता है वहाँ पे ये होता है नेक्स्ट आया यहाँ पे स्टार आया है एनर्जी है तो आप एक हीलिंग भी रहोगी आ, आपकी विश फुलफिलमेंट भी हो रही है और आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखोगे और नेक्स्ट आ रहा है इमोश बॉटल ओपनर है आपके इमोशंस भी जो है आप उससे इन ट्यून कर पाओगे जो आप अपने नेटिव प्लेस पे नहीं बोल पाते थे सप्रेस हो जाते थे तो वहाँ पे आप ये सब बोल पाओगे या अपना स्टैंड ले पाओगे चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग गलियां एक विलन आप घूमोगे बहुत नेक्स्ट आ रहा आफरीन आफरीन तो काफी आपके अपियरेंस में चेंज आएगा आपके ड्रेसिंग सेंस में भी चेंज आएगा तो पाइल नंबर वन ये थी आपकी रीडिंग उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू नंबर टू अगर आपने न्यू बिगनिंग को चूज किया या फिर आपका बदमत इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ किस तरीके की रहेगी पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स लीबरा एक्वर जमुना की एनर्जी है नेक्स्ट आर अ क्वीन ऑफ वॉन्ट्स एर इज डॉ है नेक्स्ट आर अ डेथ स्कॉर्पियो एनर्जी है नेक्स्ट आर नाइट ऑफ सॉर्ट्स नेक्स्ट आर सेवन ऑफ सॉर्ट्स ओके नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्प्रेस टॉरस एनर्जी है नेक्स्ट आर टेन ऑफ कप्स नेक्स्ट आ रहा द फूल नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेन ऑफ पॉइंट और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मेजिशियन चाहे मेल हो चाहे फीमेल अपने जेंडर से करना पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि आपकी जो मैरिड लाइफ होगी उससे पहले जो है जो आपको एक एक्स्ट्रा मैसेज दे रही हूँ किसी ने आपके साथ जो है चालाकी बरतने की कोशिश करी होगी या आपकी जो है सगाई जो है वो टूटी होगी स्पेसिफिक मैसेज है सबके लिए नहीं है सगाई जो है वो किसी ने किसी से टूटी होगी ऐसी सिचुएशन है पैसे के पीछे जो है वो लड़ाई हुई होगी या उस पर्सन ने कोई ना कोई बात छुपाई होगी या उसके परिवार ने छुपाई होगी जिसकी वजह से वो रिश्ता जो है वो एंड हुआ होगा उसके बाद जो है आप थोड़े से सख्त हो गए होंगे आपका मिजाज जो है वो थोड़ा सख्त हो गया होगा लेकिन धीरे धीरे जो है आपके जब स्पाउस आपके लाइफ में आ जाएंगे तो आप जो काफ़ी प्रोटेक्टिव हो, हो पाओगे आप इजीली ट्रस्ट नहीं करोगे लेकिन उनके एक्शंस पे आप जरूर ट्रस्ट करोगे मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है जब जैसे ही आप धीरे धीरे जो है समय के अनुसार आ, आप ट्रस्ट करने लग जाओगे तब जो है आपकी लाइफ में एक अलग ही चेंज आएगा यहाँ पे जो है मुझे ये लग रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स और क्वीन ऑफ वॉन्ट्स है आप अपने आप को वेल स्टैब्लिश करोगे जहाँ पे भी आप रहते हो वहीं पे हो सकती है आपकी शादी बिल्कुल लोकल भी हो सकती है या थोड़ी दूरी पे हो सकती है यहाँ पे फॉरेन वाली सिचुएशन यहाँ पे नहीं है यहाँ पे ये यह भी चीज़ है कि आप जो है वो अपनी समस्याओं का खुद ही समाधान जो है वो निकालना शुरू कर चुके होंगे आप अपनी लाइफ में जो है एक ऐसा मुकाम चाहते हो काफ़ी एम्बिशस एनर्जी आ रही है जो जिससे आप जाने जाओ तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे और मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है जैसे ही आपकी शादी होगी तो आपके स्पाउस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और धीरे धीरे जो है आपको उनके ऊपर विश्वास आ जाएगा क्योंकि उनका नेचर भी उसी तरीके का होगा जैसा आपका है और आपकी जो कोमलता है या काइंडनेस है वो जो है उनके सामने खुलेगी नर्चरिंग एनर्जी उनके सामने खुलेगी और धीरे धीरे जो है आप में रियल वाला जो है लव हो जाएगा अब आते हैं कैरियर के ऊपर तो कैरियर ये है कि आप दोनों ही जो है बिज़नेस में हो सकते हो या एक पर्सन जॉब कर सकता है एक पर्सन बिजनेस कर सकता है दोनों अच्छा ही जो है वो संभाल लोगे मुझे यहाँ पे यह फीलिंग आ रही है ज़रूरी नहीं है अगर दोनों नहीं काम करना चाहते एक ही पर्सन काम करना चाहते तो भी जो है आप कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम से जो है कुछ ना कुछ पैसा जरूर कमाओगे चाहे वो छोटा अमाउंट ही क्यों ना हो लेकिन आप करोगे जरूर तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है आपके इमोशंस जो है वो यही है आंसर ही है कि टेन ऑफ कप्स वाली एनर्जी है टेन ऑफ कॉइंस है आपको कमिटमेंट पसंद है आपको लॉयल्टी पसंद है आपके स्पाउस को भी यही चीज़ें पसंद है तो आपकी वैल्यूज जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर रहेंगी और मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों को जो है ट्विंस पसंद होंगे या ट्विंस जो है वो करने की इच्छा होगी आपकी इच्छा होगी अब ये ईश्वर के ऊपर होता है कि होना है या नहीं होना है और वहाँ पे एक गर्ल और एक बॉय जो है वो हो सकता है और यहाँ पे जो है मुझे ये भी फील हो रही है कि आप एक न्यू जर्नी पे चलोगे या एक नया जो है वो चीज़ सीखोगे अब वो बिजनेस हो सकता है या कोई स्किल हो सकता है कि आपने सोचा मुझे ये करना चाहिए अपनी लाइफ में और आप इस तरीके से पैसा कमाना चाहते हो तो वो चीज़ भी यहाँ पे एग्जिस्ट हो रही है आप दोनों ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया होगा क्योंकि आप दोनों ही जो हैं वो कही न कहीं ना कहीं सताए हुए हैं या जैसे मैंने कहा कि किसी झूठ के कारण जो आपकी सगाई टूटी होगी और कहीं ना कहीं आपको एक इस चीज़ का पेन होगा तो आप जो है वो उस चीज़ को धीरे धीरे जो है हील कर लोगे या भुला दोगे लेकिन आप खुशी खुशी महसूस करोगे कि आप जहाँ पे हो वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हो मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन को जो ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद होगी ज्वेलरी जो आपको देना पसंद करेंगे ये पर्सन और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन के साथ जो आपका फिजिकल इंटीमेसी भी जो है वो एक टॉप नॉच होगी जो आप दोनों के बीच की बात है ऑब्वियसली लेकिन आपको जो है एक सेटिस्फैक्शन हर तरीके से मिल जाएगा इमोशनली फिजिकली स्पिरिचुअली मनी वाइज किड्स वाइज यहाँ पर ट्विन्स होने की ज्यादातर संभावना है हालाँकि ईश्वरी जाने की कब होता है ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेस तो पता है मुझे बट स्टिल फिर भी जो है यही चीज़ है कि आपको ट्विंस इच्छा होगी और वो चीज जो है वो आपकी क्लियर यहाँ पे होगी नेक्स्ट देख लेते हैं मैजिकल गेट वे इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इन टू अनोन तो आपके लिए अननोन चीजें हैं वो चीज यहाँ पे हो रही है येट दिस इज वेयर द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स एंड आर इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक तो यहाँ पे ये चीज है आप अननोन टेरिटरी में जा रहे हो सब कुछ जो है वो पॉजिटिव होगा इसी होप के साथ आगे जाओगे नेक्स्ट आ रहा है न्यू बिग्निंग्स मैंने जैसे कहा बेबी बहुत जल्दी आएगा आपकी लाइफ में ट्विन्स भी हो सकते हैं ज़्यादातर केसेस में ट्विन्स होंगे लेकिन एक बेबी बॉय भी यहाँ पे होने के पूरे चांसेस हैं दिस फेरी गॉड मदर हर््स द जॉयस न्यूज ऑफ अ न्यू बेबी और द बर्थ ऑफ अ चेरिश आइडिया प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडियाज एज़ यू वुड बी अ बेबी अगर जो लोग बेबी नहीं करना चाहते हैं या कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो अडोपशन प्रोसेस के लिए भी जा सकते हैं या फिर जो मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं उसके लिए भी जा सकते हैं वहाँ पे भी जो है बेबी बॉय होने की पूरे चांसेस हैं और यहाँ पे जो आपको परेशानी नहीं होगी ज़्यादा नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन अ राइट पाथ आपके लिए खुशियाँ इंपॉर्टेंस रखती है और आप दोनों एक बेस्ट फ्रेंड की तरीके से डील करोगे एक दूसरे से और नेक्स्ट आ रहा है पीस आई एम अ बींग ऑफ लव एंड आई रिलीज़ ऑल द नेगेटिव एनर्जी तो यहाँ पर ये चीज़ है शांति रहेगी खुशी रहेगी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी और बच्चे को जो है एक अच्छे संस्कार भी आप दे पाओगे ऐसी आप लोगों की इच्छा रहेगी तो इस तरीके की आपकी मैरिड लाइफ रहेगी चलिए देखते हैं कुछ चांस यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ है मैरिड लाइफ जो है बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी फलेगी फूलेगी जैसे कहा जाता है फलो फूलों ऐसे कुछ बोलते हैं ना आशीर्वाद देते हैं उस तरीके का और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया है तो हो सकता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस हो या फिर जो है डॉक्टर भी हो सकते हैं नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक लियो एनर्जी आई है तो लियो एनर्जी जो है वो यही एनर्जी है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा लियो एनर्जी है और आप खुशी से जी पाओगे तो ऐसी एनर्जी है चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए मुस्कुराने की वजह तुम हो सिटी लाइट्स का है और नेक्स्ट सारा दिल की मेरा काइट्स मूवी का तो इस तरीके का गाने जो आपके डेडिकेट करना चाहेंगे इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी तो फाइल नंबर टू ये थी आपकी रीडिंग उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू